हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट रीजनिंग क्लासेस। आज हम लोग नंबर सीरीज पार्ट थ्री चेक करेंगे। नंबर सीरीज पार्ट वन एंड पार्ट टू हमने चेक कर लिया था, आज हम लोग नंबर सीरीज पार्ट थ्री चेक करेंगे। नंबर सीरीज पार्ट थ्री, नंबर सीरीज पार्ट थ्री। नंबर सीरीज पार्ट वन और पार्ट टू में हमने मिसिंग नंबर वगैरह के बारे में चेक किया था। आज हम लोग और थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम चेक करते हैं। जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम जो ले रखा है, फर्स्ट प्रॉब्लम अपने पास गिवन है 5, 9, 25, 91, 414, 2, 2, 8, 2.5 और इसके जस्ट वर्टिकल 3, A, B, C, D एंड E। हमें यहाँ पर क्या करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पहले अपने पास जो ये फर्स्ट सीरीज दे रखा है, इस फर्स्ट सीरीज को हमें क्या करना होगा, इस फर्स्ट सीरीज के लॉजिक को फाइंड आउट करना होगा। और इसी सेम लॉजिक को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेकंड वाले में अप्लाई करेंगे। सेम लॉजिक को हम लोग सेकंड वाले में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, इस सी को फाइंड आउट करना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग लॉजिक पर चलते हैं कि इस प्रॉब्लम का लॉजिक क्या होगा अपना, तो लॉजिक चेक करें। तो सबसे पहले हमें सीरीज जो सॉल्व करना है कि 5 से 9 कैसे आएगा, फिर 9 से 25 कैसे आएगा, हमें ये चेक करना है। तो यहाँ पर जो लॉजिक है, जैसे अगर हम लोग 5 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 1.5 ही कर दें, तो 5 × 1.5 = 7.5 हो जाएगा। 7.5 + 1.5 ये आ जाएगा 9। फिर 9 में हम लोग क्या करेंगे, 9 × यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 2.5 और फिर प्लस कर देते हैं 2.5, तो 9 × 2.5 हो जाएगा 9 × 18 = 22.5 आ जाएगा ये। और 22.5 + 2.5 जो होगा ये अपने पास आ जाएगा 25। फिर अब हमें क्या करना है, 25 × 3.5 + 3.5 करना है। तो 25 × 3.5 + 3.5 जब हम लोग करेंगे तो 25 × 3.5 + 3.5 ये 91 आ रहा है। यानी लॉजिक हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, इसी लॉजिक को हमें सेकंड वाले में अप्लाई करना है और हमें सी फाइंड आउट करना है कि सी की जगह क्या आएगा, वो आंसर देना। तो सेकंड वाले लॉजिक में हम लोग अप्लाई करते हैं, पहले 3 में क्या करेंगे, 3 × 1.5 + 1.5, तो 3 × 1.5 ये 4.5 + 1.5 ये 6 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 6 × 2.5 + 2.5, तो 6 × 2.5 हो जाएगा 6 × 12 + 3 = 15 + 2.5 = 17.5 आ जाएगा। फिर हमें 17.5 × 3.5 + 3.5 करना है इक्वल टू। अब हमने फर्स्ट वाले से जब सॉल्व किया, 3 से हम लोग आगे प्रोसीड जब हमने किया, तो इसका मीनिंग क्या, हम लोग ए फाइंड आउट कर चुके, तो ए अपना 6 आ गया। फिर अगर बी की बात करें तो ये 17.5 आ गया। अब जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये अपना सी होगा। इस तरह से जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये 64.75 होगा और जो कि सी आएगा, और ये सी ही हमें फाइंड आउट करना था, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने पास गिवन है ये 15, 9, 8, 12, 36, 170। इसके जस्ट नीचे अपने पास 19 से स्टार्ट कर रहे हैं ए बी सी डी एंड डी। हमें यहाँ पर बी फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह से हमें क्या करना है, लॉजिक फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट वाले सीरीज का, कि फर्स्ट वाले सीरीज का क्या लॉजिक होगा। तो फर्स्ट वाले सीरीज में अपने पास है 15, 9, 8, 12, 36 एंड 170। तो 15 से हमें 9 लाना है, तो लॉजिकली हम लोग क्या कर लेते हैं, 15 − 6 × 1 करते, ये 9 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 9 − यहाँ हमने 6 − किया, अब हम लोग 5 − करेंगे, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई 1 किया, अब यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर लेते, तो ये 8 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 में से अब हम लोग क्या करें, पहले 6 − किया था, फिर 5 − किया, अब 4 − करेंगे। फर्स्ट वाले में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले में 2 से, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12 आ जाएगा। इस तरह से हमने 15 से 9 बना लिया, फिर 9 से 8 बना लिया, फिर 8 से 12 बना लिया। इस तरह से हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना।
हमें 19 वाले में बी फाइंड आउट करना है, तो सेकंड वाले में चलते हैं 19 वाले लाइन, तो 19 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा 13, फिर 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो 13 माइनस 5 ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 16, और ये 16 ही अपना क्या आ गया, बी आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि 13 ए आया है तो 16 बी हो गया, और यही क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास है 7, 6, 10, 27, 104 and 515, जहां पे अपने पास दे रखा है 9 से स्टार्ट कर 9A, B, C, D and E, यहाँ पर हमें D फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लॉजिक हम लोग चेक करते हैं, हमें क्या करना है, 7 से 6 लाना है, तो लॉजिक की अगर बात करें यहाँ पर, तो 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 कर देते हैं, ये 6 हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 कर लेते हैं, ये 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पर अब क्या है, 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 करते हैं, 27 आ जाएगा, और इस तरह से ये सीरीज कंटिन्यू हो जाएगा। अब हमें 9 वाले से स्टार्ट करना है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 8 हो गया, फिर 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 14 आ गया। अब यानी हम लोग क्या कर चुके, 8 क्या है अपना A है, 14 क्या है B है, अब 14 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 यह आ जाएगा 39, ये C आ गया, और 39 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 जो होगा वो D आएगा, तो 39 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 जो होगा, 39 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 ये 152 आएगा, 39 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 152 आएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8 हो गया, फिर 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो 8 मल्टीप्लाई 2 16 माइनस 2 14 आ गया, फिर 14 मल्टीप्लाई 3 42 माइनस 3 39, फिर 39 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 152 आ गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास 6, 16, 57, 244, 1245 and 7505, यहाँ पर हमें 4 से स्टार्ट करना है, 4A, B, C, D and E, यहाँ पर हमें D फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो लॉजिक है अपने पास, जैसे 6 लॉजिक की बात करें कि क्या लॉजिक होगा, तो 6 प्लस यहाँ पर अपने पास कितना है, 12, 6 प्लस 4, 6 मल्टीप्लाई 2 12 कर लेते हैं, और 12 प्लस 4 यानी 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16, फिर 16 मल्टीप्लाई, अब 16 से हमें क्या करना है, तो इसमें 3 करते हैं और 3 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो 48 प्लस 9 57 बन जाएगा ये, फिर 57 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे, लॉजिक तो हमें फाइंड आउट हो गया। अब 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 8 प्लस 4 12 आ जाएगा, तो ये A आ गया, A हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस 9 यहाँ पर आ जाएगा, 36 प्लस 9 तो 9, 6, 15, 45 आ जाएगा, ये बी आ गया, फिर यहाँ 45 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 45 मल्टीप्लाई 4 ये 180 और प्लस 16 196 ये सी आ गया, और फिर 196 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे, और ये जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 8, 9, 20, 63, 256, 1285, और इसके नीचे अपने पास है 5 ए
डी सी डी एंड ई। तो यहाँ पर हम लोग जो लॉजिक देखेंगे कि क्या लॉजिक यूज होगा, हमें 8 से 9 लाना है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 9 हो जाएगा, फिर 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 ये 20 आ जाएगा, फिर 20 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 ये 63 आ जाएगा। इस तरह से हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है। यहाँ जो हमें फाइंड आउट करना है, अगर सेकंड वाले में हम लोग देखें तो 5 से हमें कंटिन्यू करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ये 6 आ गया जो कि ए आ गया, फिर 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 14 हो गया, हम लोग बी फाइंड आउट कर चुके, फिर 14 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 ये 42 प्लस 3 45 हो जाएगा जो कि सी आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ फाइंड आउट कर ले। तो ये हमने नेक्स्ट पैटर्न देखा, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे हो सकते हैं। अब हम लोग कुछ रॉन्ग टर्म ही चेक करेंगे, रॉन्ग टर्म इन सीरीज, तो रॉन्ग टर्म अब चेक करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग रॉन्ग टर्म पर बेस कर लेते हैं। यहाँ पर अपने पास 8, 11, 17, 47, 128, 371 एंड 1100। इसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लॉजिक चेक करें कि सीरीज बनेगा कैसे। यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिक चेक करें तो 8 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 24 और माइनस 13 करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 11 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 13 अगर करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 33 माइनस 13 20 हो जाएगा। फिर 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 करते तो 20 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर जो हमने लिया 20 ले लिया और 13 लेना है, 13 माइनस कर रहे हैं तो 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 13 जो है यहाँ पर आ गया अपने पास 47। फिर 47 मल्टीप्लाई 3 माइनस 13 तो 47 मल्टीप्लाई 3 माइनस 13 माइनस 13 ये 128 आ गया। तो माइनस 13 128 आ गया, यानी यहाँ जो रॉन्ग है ये 20 आना चाहिए 17 की जगह, ये 17 रॉन्ग टर्म है और इसकी जगह 20 आना चाहिए क्योंकि ये 8 रहा, हमने 8 से स्टार्ट किया था, ये 11 रहा, यहाँ 11 है, 17 की जगह 20 हो जाए, फिर 20 से आगे ये 47 आ गया, फिर 47 के बाद 128 आ रहा है। फिर इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर 128 मल्टीप्लाई 3 माइनस 13 करते हैं तो ये 371 आएगा। इस तरह से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो अपने पास गिवन है ये 1, 5, 13, 31, 61, 125 एंड 253। इसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो रॉन्ग टर्म के लिए हम लोग पहले यहाँ डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ प्लस 4 का है, प्लस 8 है, यहाँ प्लस अगर 12 कर दें फिर प्लस आगे चेक करते हैं या फिर और आगे चेक करते हैं, इसमें जैसे यहाँ पर 2 है यानी 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 है तो 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 कर देते हैं तो अगर यहाँ 16 प्लस करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 16 प्लस करते हैं अगर 13 में तो 13 प्लस 16 कितना जाएगा 29 होगा। तो अगर रॉन्ग टर्म 31 हुआ तो इसकी जगह 29 आना चाहिए। और आगे चेक करते हैं 29 और 61 में डिफरेंस कितने का है, तो 29 और 61 का जो डिफरेंस है ये 32 का डिफरेंस है और 32 2 की पावर 5 होगा। फिर यहाँ जो डिफरेंस है वो 64 का डिफरेंस है तो ये 2 की पावर 6 है। तो लॉजिक ये है कि 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कंटिन्यू है और 31 की जगह हमें क्या करना है 29 यूज करना है। नेक्स्ट हम लोग यूज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 11, 18, 29, 42, 59, 80, 101। इसमें भी रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 11 का डिफरेंस है, यहाँ 13 का डिफरेंस है, ये 29 है तो 13 का डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ 17 का डिफरेंस है, यानी ये जो डिफरेंस चल रहा है ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है, प्राइम का डिफरेंस चल रहा है। अब यहाँ 19 का डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि 17 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम है वो 19 है और 19 अगर हम लोग 59 प्लस 19 करेंगे तो 78 आएगा। तो ये 80 तो रॉन्ग टर्म हो गया और इस 80 की जगह 78 आना चाहिए। और फिर 78 में हम लोग नेक्स्ट प्राइम ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट प्राइम 23 है, इसको प्लस करेंगे तो ये 1 और ये 101।
तो ये सही है, 101 आ रहा है। इसमें 80 जो है अपना वो रॉन्ग टर्म है, 80 की जगह 78 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 2, 9, 32, 105, 436, 2, 195, 131, 82। ये अब इसमें लॉजिक चेक करते हैं हम लोग, रॉन्ग टर्म ही फाइंड आउट करना है। तो 2 + 7 कर दें तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं इक्वल टू 9 कर लें। फिर यहाँ पर 9 + 6 करते हैं और मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा। अगर ये 30 आया, आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर 30 आए मीन 32 रॉन्ग है, यहाँ 30 आना चाहिए। तो फिर 30 + यहाँ 7 + किया, यहाँ 6 किया, यहाँ 5 + करेंगे। मल्टीप्लाई इसमें 1 किया हमने, 2 किया, तब यहाँ 3 करेंगे तो 35 × 3 105 आएगा, 105 है भी यहाँ। फिर एक और चेक कर लेते हैं, 105 + 4 क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, 7654 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये 109 × 4 किया जाएगा, 436 आगे सही है। इस तरह से के लॉजिक यहाँ पर कंटिन्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास 5, 55, 495, 3, 4, 6, 5, 1, 7, 3, 2, 5, 3, 4, 6, 5, 0 कुछ इस तरह का, और 5, 9, 5, 1, 9, 7, 5, 5, 1, 9, 7, 5 ये है। इसमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट, तो फर्स्ट वाला तो क्लियर दिख रहा है कि मल्टीप्लाइड बाई 11 है, फर्स्ट वाला तो क्लियर है मल्टीप्लाइड बाई 11 है। इसको मल्टीप्लाइड बाई 9 चेक करते हैं, 55 × 9, 495, ये मल्टीप्लाई बाई 9। इसके आगे चेक करते हैं मल्टीप्लाई बाई 7, तो मल्टीप्लाई बाई 7 चेक करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 7 ये 3465 चाहिए मल्टीप्लाई बाई 7। फिर ये मल्टीप्लाई बाई 5 चेक कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 5, 17325, ये मल्टीप्लाई बाई 5 है। आगे मल्टीप्लाई बाई 3 आना चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 3 ये 51975, ये जो है रॉन्ग है और इसकी जगह 51975 आना चाहिए, 51975। और फिर जो 51975 आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई 1 होते ही क्या हो जाएगा, ये 51975 यहाँ है भी, तो ये आ जाएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 चेक करेंगे। 11 जो क्वेश्चन है अपने पास वो है 3, 7, 16, 3, 7, 16, 32, 56, 93, 142 रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना। यहाँ तो +4 है, यहाँ +9 है, यहाँ +16 है, कुछ इस तरह का चल रहा है। यानी यहाँ तो 2 होल का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये 4 का होल स्क्वायर है, तो अब आगे 5 का होल स्क्वायर आना चाहिए तो 25 आना चाहिए। तो 25 होते ये 56 क्या, 56 की जगह 57 आएगा। और फिर आगे 36 कर लेते हैं, 36 प्लस करके चेक करते हैं, 57 + 36 ये 3 और 9, तो आगे सही है 96 है। तो 56 रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह 57 आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चेक करेंगे 12 है अपने पास 4, 5, 12, 38, 160, 805, 4, 8, 3, 5 यहाँ हमें क्या करना है, 4 × 1 + 1 करते 5 आ जाएगा। फिर 5 × 2 + 2 कर दें, 12 आ गया। फिर 12 × 3 + 3 कर देते हैं तो ये 39 आएगा। फिर 39 × 4 + 4 करके देख लेते हैं तो 39 × 4 + 4 चेक करते, 39 × 4 + 4 = 160 सही है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ जो 39 हमने ले रखा है, इस 39 की जगह 38 दे रखा है, तो 38 रॉन्ग टर्म है जहां 39 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 9, 62, 1854, 7415, 2, 2, 2, 4, 4 ये है। इससे हमें क्या करना है, 62 लेकिन 9 से 62 लाएं तो 9, 7 जा 63 - 1 62 हो जाएगा। फिर इसी तरह से करते हैं
62 मल्टीप्लाई, यहाँ 7 किया हमने, यहाँ 6 करते और यहाँ माइनस 1 ही करते, तो माइनस 1 करते 62 मल्टीप्लाई 6, 62 मल्टीप्लाई 6 माइनस 1, तो ये आएगा 371, यह 371। अब इस 371 से आगे चेक कर लेते हैं, 371 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 चेक करते हैं, तो मल्टीप्लाई 5 माइनस 1, 371 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1, 1854, तो 1854 है भी, 1854 यहाँ है, कमी नहीं का यहाँ जो है यहाँ 371 होगा, तो ये लॉजिक चलेगा। ये नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास इवन 4, 8, 24, 60 और 224। यहाँ डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस यहाँ पर प्लस 4 का है, यहाँ डिफरेंस प्लस 16 का है, और यहाँ जो डिफरेंस है प्लस 36 है, यहाँ चेक करें, यानी ये 2 का होल स्क्वायर है, ये 4 का होल स्क्वायर है, ये 6 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ 8 के होल स्क्वायर का डिफरेंस होगा यानी 64, तो 60 प्लस 64 ये 124 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर का डिफरेंस आना चाहिए, 100, 100 का गैप है यहाँ पर, यहाँ पर 100 का गैप है, तो यहाँ पर 124 होगा। 15 क्वेश्चन है अपने पास 8000, 1600, 1600 है ये 15 में, 8000, 1600, 320, 64, 12.8 एंड नेक्स्ट। यहाँ ये डिवीजन चल रहा है, जैसे 8000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1600 आ जाएगा, फिर 1600 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 320 आ जाएगा, फिर 320 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 64 होगा, फिर 64 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 12.8 होगा, यानी आंसर क्या होगा, 12.8 डिवाइडेड बाई 5, तो 12.8 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 टू जा 10 पॉइंट, अब ये 28, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा यहाँ से।